रेवाड़ी में एसपी राजेश दुग्गल के आदेश पर सीआईए की टीम ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर पॉल्यूशन जांच के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा किया है। टीम ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। रेड के दौरान सामने आया कि जगह जगह लगाए गए पॉल्यूशन जांच केंद्र के खोके पूरी तरह से फर्जी है। रेवाड़ी जिले में इस तरह की यह पहली कार्रवाई की गई है, जिससे प्रदूषण जांच के नाम पर फर्जी धंधा करने वालों में हड़कंप मच गया है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसपी राजेश दुग्गल को सूचना मिली थी कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर पॉल्यूशन जांच के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है। हाईवे पर सड़क किनारे व कुछ पेट्रोल पंपों के बाहर खोखा लगाकर एक गिरोह के जरिए बगैर किसी लाइसेंस के वाहनों की प्रदूषण जांच के नाम पर मोटा खेल चल रहा है। सूचना के बाद टीम ने अकेले धारूहेड़ा थाना क्षेत्र में ही आधा दर्जन ऐसे बूथों पर रेड की जो पूरी तरह से फर्जी चल रहे थे। रेड के दौरान सभी प्रदूषण जांच केंद्र में न तो कोई जांचने का उपकरण मिला और न ही कोई लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज मिला। एक प्रदूषण जांच केंद्र पर तो फर्जी तरीके से आरटीए का टैक्स जमा कराने के लिए भी साइन बोर्ड लगाया हुआ था। पुलिस ने सभी को मौके पर ही पकड़ लिया है और मामले की कार्रवाई कर रही है। एसपी राजेश दुग्गल ने कहा कि रेवाड़ी में किसी तरह के अवैध धंधे को पनपने नहीं दिया जाएगा। अवैध धंधों में शामिल लोगों व अपराधियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लेकर के एक बड़ी कार्रवाई जो पुलिस ने की है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी, वे पेट्रोल पंप के ऊपर ये जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जांच का जो सर्टिफिकेट देते हैं पॉल्यूशन चेकिंग का, तो हमने ये एक ज्वाइंट रेड कल की है। इसमें हमने 5 पेट्रोल पंप पे हमने रेड किए, जो पेट्रोल पंप के बाहर जो ये खोखे रख के चेक करते हैं, जिसमें 4 पेट्रोल जो मिले हैं केस, उनमें 4 के पास ना तो कोई लाइसेंस था, ना उनके पास पॉल्यूशन चेकिंग करने के लिए कोई मशीन थी, और वो फर्जी सारा काम कर रहे थे, जिनको हमने अपना डमी अपना कस्टमर भेज के और उनको हमने प्रॉपरली रेड किया है और उनसे पूछताछ जारी है। आज उनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे। एक के पास लाइसेंस था, लाइसेंस में लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट थी, तो उस पर भी हमने कार्रवाई की है। उसके पास लाइसेंस था तो उसके पास मशीन नहीं थी, और ये फर्जीवाड़ा हमने कल इसका पकड़ा है सारा। और सारा ये एक्सप्रेस रोड है, NH8 पे, ये सारे पेट्रोल पंप वहीं पे हैं। सर, ये दिल्ली जयपुर हाईवे पर बड़ी कार्रवाई है, बात शहर की जाए तो वहाँ भी इस तरह के कुछ? देखिए, हमने अभी अपना ये फर्स्ट ऑपरेशन किया है। अब हम सभी पेट्रोल पंप पे जितने भी ये पॉल्यूशन चेकिंग सर्टिफिकेट बूथ लगे हैं, वो सबको चेक करेंगे। मोस्टली के पास अभी हमें सोर्स से पता लगा है कि लाइसेंस नहीं है, कुछ अब अपनी जगह छोड़ के भाग गए हैं। लेकिन इसमें सामने बात ये आई है कि इसमें जो पेट्रोल पंप मालिक अपने साथ इनको बिठाते हैं, उनकी भी कुछ इनके साथ कॉन्स्पिरेसी है, वो इनसे मिलके अपना कमीशन लेते हैं, और ये उन्होंने यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास बिठा रखे थे। और मैं साथ में ये कहना चाहूँगा, ये ड्यूटी बेसिकली आरटीए ऑफिस की, वो ही इनको सर्टिफिकेट इशू करते हैं, लाइसेंस देते हैं, तो ये उनकी मूलभूत ड्यूटी है, वो इसको चेक भी करें कि किसी के पास वैलिड है कि नहीं है, एक्सपायरी डेट है कि नहीं, पूरे नॉर्म्स फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आरटीए डिपार्टमेंट।